सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड नेक्स्ट चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। पिक्चर बहुत अच्छी लगी मैडम, और पिक्चर का जो इंडियन आर्मी के ऊपर बेस है पिक्चर, वो बहुत अच्छा है। नहीं वो तो बहुत अच्छा, वो रियल स्टोरी के हिसाब से कि इंडियन आर्मी का जो काम काज है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पीओ के अंदर घुस के मारने का, वो जो इंडियन आर्मी का जो काम है वो बहुत अच्छा लगे। नहीं सर जी, जो रियल स्टोरी है, जैसे जैसे कार्म का इंडियन आर्मी का जो रियल काम है क्या है, वो इसमें से लिखा हुआ है मैडम, वो दिखाया गया है ऐसे भी। नहीं डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगा उनका जो रियल, 5/5 मैम, थैंक यू। ओके, फिल्म पूरी देखकर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है, सब लोग ने देखनी चाहिए, फैमिली के साथ देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। म्यूजिक अच्छा है, विकी कौशल का एक्टिंग बहुत फैंटास्टिक है, सब लोग ने देखनी चाहिए। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के बारे में सब अच्छा है, कोई कमी नहीं है मूवी में, सब कुछ अच्छा है। सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी कितनी टची थी और कितना पहुंच सकी है? 100% टचेबल थी, जो भी है एकदम रियल दिखाया हुआ है, जो भी हमारे आर्मी ने अटैक किया था, जो भी है बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। 5 में से कितना स्टार देंगे? 5 में से मैं 10 दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसी लगी मैम? इट्स एक्सीलेंट। विकी कौशल, परेश रावल, यामी गौतम, सबकी एक्टिंग अच्छी थी। माइंड ब्लोइंग, देयर इज अ माइंड ब्लोइंग, देयर इज नो, आई कैन नॉट से दैट, लाइक उसका कुछ 1% भी मेरे को गलत नहीं लगा। सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी को फिल्म के अंदर कितने अच्छे से दर्शाया? हाँ, बहुत अच्छे से दर्शाया गया उसने, और स्क्रीन प्ले का जैसा उसने स्टोरी को जैसा वो डेवलप किया और जैसे स्क्रीन पे आया, इट्स ऑसम। 5/5। ओके सर, फिल्म पूरी देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? पूरी पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी, पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी है। पिक्चर में, पिक्चर का जो उद्देश्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर किया था, और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है और उसके लिए सरकार को कितना प्रयत्न करना पड़ता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ये पॉसिबल होता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी बताई गई है, इसमें वर्तमान सरकार ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इस मुकाम पर पहुँचे। ओके, डायरेक्शन के बारे में क्या कहना? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन में, एडिटिंग में कोई भी जरा भी कहीं भूल नहीं है। मिलिट्री बेस कैंप बोलिए, मिजोरम बोलिए, दिल्ली का भी सीन बोलिए, कश्मीर का जो बताया गया, बहुत सब एकदम ओरिजिनल सीन है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रूली बेस्ट है, इसमें कोई गलत तो कुछ है ही नहीं। परेश रावल मेन है, दिल्ली बैठा हुआ है और वो सब ऑर्गेनाइज करता है और उस हिसाब से ये सब बनता है और इसी से हम लोग सक्सेस होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की स्टोरी को कितना अच्छे से दर्शाया? बहुत ही अच्छी। सर्जिकल स्ट्राइक व्हाट इज रियली होती है, वो इसमें इतनी अच्छी तरह से चित्रण किया गया है, वो काबिले दाद है। ओके, 5 में से कितना स्टार है? इसमें स्टार का ऐसा बात है कि देशभक्ति में स्टार कम तो कोई दे ही नहीं सकता है, और डबल ट्रिपल जितना आप देना चाहे दे सकते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी, जो भी एक सर्जिकल का स्ट्राइक जो दिखाया है और जो मूवी में इमोशंस हैं, ड्रामा है, इज इन जोश है, इज इन ऑसम। डायरेक्शन तो इज ए वेरी गुड, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन किया है मूवी को, स्टार्टिंग से लिया है, किस तरीके से इमोशन दिखाए हैं, ड्रामा भी है, प्लस जोश दिखाया है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का उन लोगों ने जैसे अटैक किया था, तो वैसे हम लोगों के हिंदुस्तान ने भी जाके वहाँ पे उन्होंने जोश में अटैक किया, बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्शन दिया, बहुत अच्छी तरीके से। स्टोरी को तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेके चले हैं, कैसे हर चीज़ की इमोशन अलग अलग बताए, हर जगह का बताया कि किस तरह पॉलिटिकल्स को लेके सारी चीज़ को किस तरीके से उनके फैसले मुद्दे सारी चीज़ हुए हैं, किस तरह से हर इंसान के किरदार बहुत बखूबी उन्होंने डायरेक्ट किया है। हाउ द जोस, हाउ द जोस, मैं तो 5 ही दूंगा और मुझे तो वापस भी देखनी है सीधे। सो वेरी गुड मूवी, वेरी एक्साइटमेंट, बहुत प्राउड फील हो रहा है देख के, जो इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब इंडियन आर्मी फैमिली के लिए, जो इन्होंने अपना फैमिली गवाया उन लोगों के लिए। सर्जिकल
सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी को कितने अच्छे से दर्शाया गया है फिल्म के अंदर? पूरा रियलिस्टिक तरीके से दर्शाया गया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई एडिशन नहीं किया गया उसमें, बहुत अच्छी तरह जो हुआ था रियल वही है, कुछ उसमें एडिशन कुछ नहीं किया गया है। फिल्म में यामी गौतम के साथ परेश रावल जैसे एक्टर है, तो उन्होंने अपने किरदार को कितने अच्छे से निभाया? परेश रावल जो वर्सेटाइल एक्टर है वेल यू नो, तो उनको तो जज करना हमारे बस में बात नहीं, वो तो है ही वर्सेटाइल। और यामी गौतम हमेशा रोमांस में नजर आए हैं, तो अभी ये इसमें थोड़ी डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आए हैं, जैसे कि देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे आर्मी कैंपस में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से निभाया ये रोल को उसने। डायलॉग बहुत सब बहुत अच्छा लगा, तो फाइनल में एक डायलॉग है जो विक्की कौशल कहते हैं, तुम लोगों ने इंडिया में घुस के मेरे भाइयों को मारा था, मैं आज तुम्हारे पाकिस्तान में घुस के तुम्हारे भाइयों को मार रहा हूँ, ये है इंडियन आर्मी, हम है इंडियन आर्मी, वही है। आउट ऑफ फाइव, फाइव। थैंक यू।